मुझे लिटरली किसी और जगह पे इतना डर नहीं लग रहा जितना यहाँ पे। मुझे कुछ लोग जितने गुस्से से देखते हैं मना कहते हैं यार कैमरा जरा साइड पे कर दे। ये लोग मोस्टली कोई यूनिवर्सिटी कोई स्कूल वगैरह नहीं जाते, इनके स्पेशल स्कूल होते हैं जहाँ पे तौरा की तलीम दी जाती है जिन्हें यशिवा कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम जेरूसलम पैलेस्टाइन। अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ इसे कहते हैं जी दमास्कस गेट, मेरी फेवरेट जगह यहाँ पे, और सबसे बिजी सबसे नॉइजी एरिया भी यही इसी गेट के आसपास, क्योंकि यहाँ पे जो मुस्लिम क्वार्टर है मोस्टली मैंने आप लोगों को जो है वो सारी जगह जो है वो पिछले ब्लॉग में कोशिश की है कि उनको एक्सप्लोर करके दिखा सकूँ। आज मैं कोशिश करूँगा कि जो दूसरे ओल्ड टाउन के जो दूसरे क्वार्टर्स हैं, जूश क्वार्टर है, आर्मेनियन क्वार्टर है, मे भी हम क्रिश्चियन क्वार्टर को भी आज ही टच करें, और उसके अलावा जो है यहाँ पे जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी है उनका एक बहुत बड़ा एरिया है जो थोड़ा सा ओल्ड टाउन से बाहर है। यहाँ पे एक और मार्केट है, तो जिस तरह मुस्लिम एरियाज़ में आपको जो है ना मार्केट्स और सूक वगैरह नज़र आएंगे, इसी तरह जो है वो दूसरे एरियाज़ में भी आएंगे। अभी हम यहाँ से निकलते हैं और आप लोग रश देखें माशाल्लाह, यहाँ पे आज जुमे का दिन है तो मोस्टली लोग अभी जुमे की नमाज़ पढ़ के आ रहे हैं। मैंने भी नमाज़ पढ़ी है और अभी वहाँ से निकल के आया हूँ, ताकि मैंने कहा कि आगे जो है ना दूसरे एरिया की तरफ जाते हैं तो आपको कंपैरिजन दिखाऊंगा दोनों एरियाज़ में। आप ख़ुद नोटिस करें कि फ्राइडे को कितना डिफरेंस होता है, और यहाँ पे दूसरी साइड पे जो है वो ओल्ड टाउन के बाहर भी एक छोटा सा एरिया है जहाँ पे रेस्टोरेंट कैफ़ेज़ और मोबाइल शॉप्स इस तरह की चीज़ें जो है ना आपको मिलेंगी। और यहाँ पे देखिए वैगनें खड़ी हैं तल अवीव और जाफा की तरफ जाने के लिए। सबसे ज़्यादा जो रश है वो इस चौक पे आपको मिलेगा अक्सर, क्योंकि बसेस वगैरह की वजह से और लोगों का इधर जो आना जाना जो है वो ज़्यादा होने की वजह से अक्सर यहाँ पे ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक रहती है। और ये जो है वो साथ ओल्ड टाउन के साथ साथ जो है वो बॉल बनी हुई है। YouTube हाय कुल इसमें कनात एक्साइटेड देखिए इसको तो वीडियो में डालना पड़ेगा। इस्म करीम करीम अकरम करीम अबरार नो इंटरनेट नो इंटरनेट फोटो अलमर बबीन अल यूट्यूब इकराम नूरा ओके थैंक यू मस्सलाम लाइक शेयर सब्सक्राइब। देखें जी आज वीडियो के स्टार्ट में मैं नॉर्मली कभी नहीं बोलता, लेकिन बच्चों ने खुद ही बोल दिया है, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर का बटन जो है वो दबा दीजिएगा। ये देखें सामने जो बसेस खड़ी हैं ये मोस्टली जो हैं ये इंटरसिटी हैं, और यहाँ से ही बैतलहम हिब्रोन वगैरह की तरफ जो है ना मिल जाती है बस जाने के लिए। रमल्ला का मुझे नहीं पता कि उसके लिए भी शायद यहाँ से जाती है कि नहीं जाती, लेकिन बैतलहम के लिए मिल जाती है। मैं जी कोई 10 मिनट की वॉक करने के बाद एक एरिया में पहुंचा हूं जिसे कहते हैं मियां शरीम। ये एरिया ओल्ड सिटी के बाहर जो सबसे बड़ी अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ की कम्युनिटी है उनका है, और बताता चलूं कि तकरीबन 1850 के आसपास में ये एरिया जो है बनाया गया था। पहले मोस्टली जो थे वो ओल्ड सिटी में रहते थे और वहाँ पे कोई कंजस्टेड था, इतनी जगह नहीं थी, तो ये एरिया बनाया गया। और शुरू में जब बनाया गया था यहाँ पे कुछ 100 के आसपास घर थे, लेकिन आज तो ये बहुत बड़ा एरिया है। और गेटेड कम्युनिटी थी कि शाम के टाइम जो है गेट बंद हो जाते थे, आजकल इतना बड़ा एरिया हो गया कि गेट जो है ना उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मतलब समझ नहीं आ सकती कि कहाँ पर गेट जो है ना ये लगाएँगे ओल्ड सिटी के। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा जो है ना इनके बारे में बताता हूँ, इनके नेबरहुड को कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे लोग जो हैं वो गुस्सा करते हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं मोहतात रह के जो है ना कैप्चर करूँगा, ये ना कि मैं यहाँ पे मार खा लूँ इनसे। तो देखते हैं कि किस तरफ जो है ना वॉक करके जाते हैं। वो।
عادي وتات نغمات मुझे लिटरली किसी और जगह पे इतना डर नहीं लग रहा जितना यहाँ पे। मुझे कुछ लोग जितने गुस्से से देखते हैं मना कहते हैं यार कैमरा जो है साइड पे कर दे, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये जो है थोड़ा सा जो है कैप्चर करके दिखा भी सकूँ इस एरिए के बारे में। अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जो इनके बारे में बताता चलूँ कि ये इनको हरीदी भी कहते हैं, और हरीदी की एक जो है वो किस्म है। यहाँ पे जो मोस्टली रहते हैं वो हसीदीक रहते होते हैं। हसीदीक और हसीदीक जो जो लैंग्वेज बोलते हैं वो जर्मन से मिलती जुलती है, उसे कहते हैं ये उसका नाम जो वो येदिश कहते हैं। तो अगर मैं इनके पास कभी से गुजर रहा हूँ तो थोड़ी बहुत मुझे जो वो समझ लग जाती है, अगर मैं ज़रा जहन पे ज़ोर दे के जो है उनको सुनने की कोशिश करूँ। तो आप देख सकते हैं कि इनके जो कपड़े हैं वो मर्द जो हैं वो लंबा सा उन्होंने कोट पहना होगा, ठीक है, और सर के ऊपर जो है टोपी होगी। तीन किस्म की टोपियाँ, एक तो जिस तरह किपा है, दूसरी हैट है, और तीसरी एक वो जो फॉक्स की हैट ना, बड़ी सी हैट, वो भी आपको कुछ लोग मिलेंगे यहाँ पे। तो इनमें से एक हैट ज़रूर पहनी होगी लोगों ने। बाल जो हैं वो दरमियान में से इन्होंने मुंडवाए होते हैं, साइडों पे दो चूटियाँ से निकली होती हैं। और औरतें अगर आप देखें तो इन्होंने बड़ा मॉडेस्ट ड्रेस पहना होता है, जितनी भी अपनी स्किन है उसको जो है वो कवर किया होता है। यहाँ पे आपको साइडों पे रोड के बहुत सारे साइन वगैरह भी मिलेंगे जिनके ऊपर क्लियरली मेंशन है कि अगर टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं तो अपने आप को कवर करें, स्पेशली जो लेडीज़ हैं। और मर्दों का भी कहते हैं कि आपने अगर जू नहीं भी हैं तो फिर भी जो है वो किपा वगैरह पहने, लेकिन उसके बगैर भी लोग जो है यहाँ पे फिर रहे हैं तो एक्सेप्टेबल होता है। लेडीज़ भी कुछ जो है ना आपको नज़र आएंगी, लेकिन मोस्टली जो है वो डिसेंट क्लोथ्स में नज़र आएंगी। तो अभी हम आहिस्ता आहिस्ता जी यहाँ से और वॉक करते हुए दूसरी तरफ जाते हैं। ये लोग मोस्टली कोई यूनिवर्सिटी को स्कूल वगैरह नहीं जाते, इनके स्पेशल स्कूल होते हैं जहाँ पे तौरा की तलीम दी जाती है, जिन्हें यशिवा कहते हैं। सिर्फ वहीं उन्हीं को विज़िट करते हैं, वहीं पढ़ते हैं। और यहाँ पे जो मर्द हज़रात, मुझे बताया गया कि मोस्टली जो है वो काम भी नहीं करते, क्योंकि इनको गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करती है, क्योंकि इनकी जो पार्टीज़ उनके इतने वोट होते हैं कि उनके बगैर जो गवर्नमेंट नहीं बन सकती। इसलिए ये डिमांड करते हैं कि इनको मंथली जो है वो इनको अलाउंस दिया जाए। तो मेरे ख्याल में वो इतना अलाउंस होता है कि उसमें इनका गुजारा हो जाता है, क्योंकि जब आप इनके एरिए से गुजर रहे होते हैं तो आपको लग रहा है कि ये बहुत लग्जरी वगैरह नहीं है, बस इसमें गुजारा हो जाता है। और इसी वजह से बहुत ज़्यादा जो ज्यूज़ हैं वो इनके ख़िलाफ़ हैं कि ये काम करते नहीं और सिर्फ जो है वो पैसे लेते रहते हैं। और इनके बच्चे भी माशाल्लाह जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स वही मैं बता रहा था कि यहाँ पे काम नहीं करते, लेकिन जो बाकी जगहों पे कम्युनिटीज़ हैं दूसरे मुल्कों में, वहाँ पे तो इनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस वगैरह नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल लंदन वगैरह की बात कर लें तो उधर ये काम करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि ज्यूज़ के जो बालग होने की उम्र है ना वो 13 साल है। तो जब 13 के होते हैं तो एक सेरेमनी होती है बार मित्सवा के नाम से, और मतलब लड़की हो या लड़का हो, और फिर आपकी इतनी उम्र होती है कि आप जो है ना वो बालिग हो जाते हैं, अडल्ट हो जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आपको जो है ना दुनिया जहान की सारी चीज़ों का पता हो, लेकिन रिलीजियसली जो है अब 13 साल पे शादी नहीं होती। मोस्टली लोगों की जो है ना वो 16 से 18 साल के जब होते हैं तभी होती है शादियाँ। अभी तो आप यहाँ पे काफ़ी गैमा गैमी देख रहे हैं, लेकिन आज है फ्राइडे का दिन, और फ्राइडे को सनसेट से लेके सैटरडे को सनसेट तक होता है शबात का टाइम। तब इस एरिए को एक्चुअली मुझे बताया गया है कि रॉक्स वगैरह पत्थर वगैरह इधर उधर रख के ना बंद कर देते हैं ताकि लोग यहाँ पे ड्राइव ना करें, क्योंकि ये मोबाइल का इस्तेमाल, कैमरा, ड्राइविंग, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अलाउ नहीं है शबात में टाइम। और इस एरिए के लोग क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट उसको फॉलो करते हैं, इसलिए वो नहीं चाहते कि यहाँ पर लोग जो है वो ड्राइव करें। यहाँ पे हैं जी जय भाई, ये हैं इंडिया गुजरात से, और इन्होंने मुझे पहचान लिया, कहते मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ। बहुत शुक्रिया यार जय भाई, और अब आप जो है ना ये जेरूसलम की वीडियो में आएंगे, पक्का आएंगे, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करते हैं, आपने वो केयर वर्कर है ना? अच्छा अच्छा, वो जो बूढ़े लोग होते हैं तो उसके लिए इंडिया से लोग आते हैं, और कहाँ कहाँ से? इंडिया से आते हैं, श्रीलंका से आते हैं, फिलीपाइन से आते हैं। अच्छा, बहुत से कंट्री। और लोग कैसे हैं, अच्छे हैं? अच्छे लोग, बहुत अच्छे हैं। चलें यार
शहर कैसा लग रहा है आपका? बहुत बढ़िया, मैं इधर 15 साल से हूँ। 15 साल से, फिर तो आपको यहाँ पे काफी कुछ पता है शहर से। ठीक है, सब कुछ चलें जी। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय। देखिए जी, कहाँ कहाँ पे आपको जो है वो लोग मिल जाते हैं जो आपकी वीडियोस देखते हैं। मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, वो एक बार मेरे पास से गुजरे फिर वापस आए हैं, और बहुत अच्छा लड़का था। अभी हम लोग जी मेन इनके रोड पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे है जी मार्केट, पीछे जो है वो ट्रेन आ गई है, मेट्रो ट्रेन तो नहीं इसे कह सकते जिसका नाम है जी मखने युदा। यहाँ की आप कह सकते हैं कि जेरूसलम के जो वेस्ट वाली साइड है उसकी मेन मार्केट, जो जिस तरह अरब सूक है उसी तरह का ये वेस्टर्न सूक आप इसे कह सकते हो। तो अभी चलते हैं, मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ इसको भी। मैं थोड़ा सा यहाँ पे सरप्राइज हुआ हूँ। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो ये मार्केट इतनी लाइवली नहीं थी जितनी ये अभी मुझे लाइवली नज़र आई है। बहुत ज़्यादा रश था, और अगर आप देखें तो बहुत सिमिलर सी चीज़ें आपको यहाँ पे भी मिल रही हैं, जिस तरह आपको दमास्कस गेट के साथ जो अरब सूक है वहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर क्योंकि टूरिस्ट है वो बहुत ज़्यादा आते हैं, स्पेशली जो वेस्ट की तरफ जेरूसलम की तरफ रहते हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है। वो यहाँ पे आते हैं, बैठते हैं, एटमॉस्फेयर इन्जॉय करते हैं। साथ में उन्होंने पब्स और बार्स वगैरह बनाए हुए हैं यहाँ पे, बैठ के जो भी उन्होंने अपनी इन्जॉयमेंट करनी होती है वो करते हैं। तो इसी वजह से आपको यहाँ पे जो है ना ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी जो कि आपको ओल्ड सिटी में नज़र नहीं आएंगी। तो बिल्कुल जब सिटी से बाहर आते हैं मार्केट से, तो जो सामने वाली रोड है इसका नाम है जी जाफा स्ट्रीट। तकरीबन ये कोई 1 किलोमीटर बन जाता है ओल्ड सिटी से। तो यहाँ से अगर मैं वॉक करते हुए जाऊँ तो 15-20 मिनट के अंदर पहुँच सकता हूँ, और अगर मैं मेट्रो लेना चाहूँ तो वो शायद मुझे कोई 4-5 मिनट में पहुँचा देगी। लेकिन वॉक करते जाते हैं, देखते जाते हैं और कुछ चीज़ ऑब्ज़र्व करते हैं तो वो आपके साथ शेयर करते हैं। साथ ही पीछे जो है वो यहाँ की मेट्रो भी आ गई है। इस साइड पे देखें अभी ऑलमोस्ट जो है आधे से ज़्यादा सिटी बंद हो गया है। आपको कोई गाड़ी हार्डली यहाँ पे नज़र आ रही होगी, सिवाय कभी कभी जो है वो ट्रेन गुजरती है यहाँ से। उसके अलावा शॉप्स, रेस्टोरेंट, ऑलमोस्ट सब कुछ जो है वो बंद हो रहा है, क्योंकि शबात का टाइम में अभी कुछ 3 घंटे हैं। तो लोग जो है प्रिपेयर कर रहे हैं अपना सब कुछ जो है यहाँ पर छोड़ के। पीछे मार्केट से जिन्होंने कुछ ख़रीदना होता है वो यहाँ से ख़रीद लेते हैं, ताकि कल का दिन जो है ये मोस्टली लोग फिर घरों में रेस्ट करते हैं। तो भाई हार्डली ही कोई शॉप जो है वो खुली हुई यहाँ पे ओपन नज़र आएगी। लेकिन अगर मैं ओल्ड टाउन में जाऊँगा और मुस्लिम क्वार्टर में, तो वो सारा रौनक वाला एरिया होगा इस टाइम भी। तो मोस्टली जो टूरिस्ट है अगर उन्होंने कुछ खाना भी होता है, कोई रेस्टोरेंट वगैरह जाना होता है, तो शबात वाले रात जो होती है यहाँ पर उनको कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए वो जो है वो अरब क्वार्टर में जाते हैं। वहीं से जाके खाने की भी चीज़ें मिलेंगी, शॉपिंग वगैरह भी सब कुछ जो है सिर्फ उधर ही अवेलेबल होगा, इधर कुछ नहीं है। हम लोग जी जाफा स्ट्रीट के बिल्कुल एंड पे पहुंच चुके हैं, और सामने आप देख रहे हैं कि ये है जी ओल्ड टाउन। और ये जो रोड है ये एक्चुअली ईस्ट और वेस्ट जेरूसलम की जो बाउंड्री हुआ करती थी। अभी हम लोग वेस्ट जेरूसलम से क्रॉस करके ईस्ट की तरफ जो है वो जा रहे हैं। ईस्ट सारा जो है वो ओल्ड टाउन उसमें आता था। अभी आप लेफ़्ट साइड पे देख रहे हैं जी ओल्ड सिटी की वॉल, और राइट साइड जो है ये वेस्ट जेरूसलम वाली साइड है।
और हम लोग जो वॉक करते करते सामने जो है वो जाफा गेट आ गया, जहाँ से इंटर होंगे सिटी पे। तो इसीलिए जो पीछे वाली स्ट्रीट है उसको भी जो है वो जाफा स्ट्रीट कहते हैं, क्योंकि उसके बिल्कुल सामने जाफा गेट आएगा। ये है जिस सामने जाफा गेट, और अगर इसकी आप बिल्डिंग चेक करें तो सिमिलर जिस तरह दूसरा दमस्कस गेट है बहुत मिलता जुलता उससे, वो थोड़ा सा बड़ा गेट है। और इसकी जो एंट्रेंस, आप इंटर होते हैं और उसके बाद जो है ना आपको लेफ़्ट साइड पे जाना पड़ता है, तो बड़ा ख़ूबसूरत बना हुआ ये भी गेट। और अगर आप देखें कि दूसरी साइड वाला जो है वो थोड़ा सा कंजस्टेड एरिया था, वहाँ पे बाज़ार है, यहाँ पे भी एक्चुअली बाज़ार मार्केट है, लेकिन ये काफ़ी खुला एरिया है। यहाँ पे इवन रोड है, उस साइड पे जो है ना आप अपनी गाड़ी वगैरह लेके नहीं इंटर हो सकते। तो ये देखें इस साइड पे जो है ना मेन जो बिल्डिंग है जाफा गेट की, वो आई थिंक ये वाली है, लेकिन अभी यहाँ पे गेट वगैरह नहीं लगा हुआ, सिंपल इन्होंने एक रोड बनाई है और जो छोटा सा गेट है वॉक के लिए वो साइड पे बनाया हुआ है। जाफा गेट वाली जो रोड है इसे कहते हैं जी उमर बिन खिताब रोड। और सामने वाला ये जो एरिया आप सारा देख रहे हैं, ये एक्चुअली जो है ये आर्मेनियन क्वार्टर में आता है, लेकिन अगर मैं इस तरफ जाऊं जो बाज़ार आप देख रहे हैं, तो यहां से मैं इजीली जो है मुस्लिम क्वार्टर और क्रिश्चियन क्वार्टर की तरफ भी जा सकता हूं। तो अभी हम चलते हैं जी क्रिश्चियन क्वार्टर की तरफ। ये जो सामने आप देख रहे हैं इसके ऊपर लिखा हुआ है चर्च ऑफ होलीस सिपुलक्रे, और वेस्टर्न वॉल का भी रास्ता इधर से है, अल हरम अल शरीफ जो है माउंट टेंपल या जिसे हम अलक्सा कहते हैं, तो उसका रास्ता भी जो है इधर से जाता है। तो हम पहले एक्चुअली क्रिश्चियन क्वार्टर की तरफ जाते हैं, वहां से चर्च दिखाने के बाद फिर हम आएंगे सेम इसी जगह पे आएंगे और कंटिन्यू करेंगे आगे की तरफ आर्मेनियन क्वार्टर से गुजरते हुए ज्यूइश क्वार्टर की तरफ और फिर वेस्टर्न वॉल की तरफ जाएँगे। क्रिश्चियन क्वार्टर वाला जो बाज़ार है ये भी बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा है, और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि थोड़ा रश जो है वो कंपैरेटिवली कम है, और मेनली यहाँ पे टूरिस्ट हैं, तो इसलिए आप जो शॉप्स वगैरह देखेंगे जो ये चीज़ें बेच रहे होंगे वो भी जो है वो टूरिस्ट कोई बेचने के लिए जो है ना इन्होंने यहाँ पर लगाई हुई हैं मोस्टली चीज़ें। और अगर आप देखें तो यहाँ पे क्योंकि क्रिश्चियन इस बाज़ार में ज़्यादा आते हैं, ये उनका रूट है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादातर चीज़ें मिलेंगी वो उसी के रिलेटेड मिलेंगी। और उसके अलावा एक और चीज़ बताता चलूँ कि इस बाज़ार में भी मेनली जो हैं वो अरब्स पैलेस्टीनियंस ही हैं, मुस्लिम्स भी हैं क्रिश्चियंस भी हैं। और इसी बाज़ार में आपको जो है ना साइड पे एक रास्ता नज़र आ रहा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये सामने जी जा रहा है चर्च की तरफ रास्ता, छोटा सा ये बाज़ार है सामने। और एक यहाँ पे और इंटरेस्टिंग बिल्डिंग नज़र आई है मुझे, जिसका नाम है जी मॉस्क ऑफ उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। यहाँ पे है जी ये सामने मस्जिद, हम जाते हैं मस्जिद के अंदर भी, लेकिन सबसे पहले आपको ले कर चलते हैं जी चर्च की तरफ। ये रास्ता जो है वो चर्च की तरफ जा रहा है, ताकि मैं अंदर से आपको चर्च ज़रा अच्छी तरह दिखा दूं, क्योंकि उसकी हिस्ट्री जो है वो काफ़ी रिलेटेड है इसके मस्जिद के। तो ये सामने ना इस टाइम मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, लोग जो हैं वो बाहर रोड के ऊपर ही बैठे हुए हैं। ये चर्च बहुत क्राउडेड है, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग जो हैं वो यहाँ पे आते हैं, और अंदर आपको बड़े इमोशनल सीन्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि बकौल क्रिश्चियंस के ये वो जगह है जहाँ पे जीसस को क्रूसीफाई किया गया था। एक्चुअली यहाँ पे दो होली जगह हैं, एक वो जगह जहाँ पे क्रूसीफाई किया गया था, और दूसरी एक खाली कब्र है। बहुत सारे लोग जो हैं वो विज़िट करने के लिए दूर दूर से आते हैं, और अभी भी यहाँ पर लाइनें लगी हुई हैं उस कब्र को देखने के लिए। बताता चलूं कि ये चर्च काफ़ी पुराना है, 4th century में फ़र्स्ट टाइम इसको बनाया गया था, लेकिन क्योंकि बाद में काफ़ी ज़्यादा सल्तनतें यहाँ पे आईं और गईं और जलजले वगैरह भी आते थे, तो अभी मौजूदा बिल्डिंग जो है वो 11th century की है। इस चर्च के अंदर आपको डिफरेंट सेक्शंस मिलेंगे, रोमन कैथोलिक्स का, ऑर्थोडॉक्स का, ग्रीक्स जो हैं, उसके अलावा आर्मेनियंस जो हैं, तो हर सेक्ट वाले जो है यहाँ पर आके अपनी इबादत वगैरह कर सकते हैं। Oh,
चर्च के बिल्कुल सामने है जी मस्जिद उमर, और इसकी हिस्ट्री कुछ इस तरह स्टार्ट होती है कि जब मुसलमानों ने बेजेंटीन को शिकस्त दी और इस एरिए पे मुसलमानों का कंट्रोल था, तो जो प्रीस्ट थे उन्होंने एक्चुअली इनकार कर दिया था सरेंडर करने से। तो उन्होंने कहा था कि जब तक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ख़ुद यहाँ पर नहीं आते मैं सरेंडर नहीं करूँगा। तो बाद में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यहाँ पर आए और नमाज़ का टाइम था, नमाज़ पढ़ना चाह रहे थे। प्रीस्ट ने उन्हें कहा कि आप यहाँ पर नमाज़ पढ़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और बिल्कुल मस्जिद के सामने जो है नमाज़ पढ़ी। वो चाहते थे कि ये ना हो कि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो यहाँ पे इसी रिवायत को कायम करते हुए चर्च के अंदर नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें। तो बाद में जब अयूबी खिलाफत का टाइम था तो 12वीं सेंचुरी में इसी जगह पे जहाँ पे उन्होंने नमाज़ पढ़ी थी एक मस्जिद बना दी गई। बड़ी छोटी सी बहुत खूबसूरत मस्जिद है। लास्ट टाइम जब मैंने विज़िट की थी तो मैंने सिर्फ इसका एक सेक्शन विज़िट किया था, मुझे नहीं पता था कि अंदर एक और सेक्शन भी है। वो एक टनल टाइप है, आप क्रॉस करके जाते हैं और ऐसे लगता है कि जैसे आप सिटी के नीचे एक्चुअली चले गए हैं। बहुत खूबसूरत है और मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे आएँ, इसको विज़िट करें और इनसे रिक्वेस्ट करें कि आपको दूसरा जो अंदर वाले जो सेक्शन है मस्जिद का वो भी दिखा दें, क्योंकि नॉर्मली वहाँ पे टूरिस्ट नहीं जाते और वो बंद होता है। हम लोग जो अभी ज्यूइश क्वार्टर में इंटर हो चुके हैं और एक्चुअली मुझे बिल्कुल नहीं पता चला कि कहाँ पे आर्मेनियन क्वार्टर जब वो ख़त्म हुआ, तो कोई दरमियान में बाउंड्री लाइन या कुछ इस तरह का आपको बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। बस एक स्ट्रीट से दूसरी स्ट्रीट पे आप जैसे ही इंटर होंगे तो साथ ही जो वो क्वार्टर स्टार्ट हो जाता है। पर आपको एटमोसफेयर से पता चल जाएगा, लोगों से पता चल जाएगा जिस तरह उनके कपड़े होंगे, क्योंकि वहाँ पर मोस्टली जो है वो क्रिश्चियंस आपको मिलेंगे, यहाँ पर जो मोस्टली वो ज्यूस मिलेंगे। उसके अलावा ये वाला जो क्वार्टर है ये सबसे जो वेल डेवलप्ड क्वार्टर है। यहाँ पे जब आएंगे तो पता चलेगा कि मुस्लिम क्वार्टर, क्रिश्चियन क्वार्टर, उन सबसे ज़्यादा जो है ये अच्छी कंडीशन में। आई थिंक इसको कुछ अर्सा पहले ही जो है वो रेनोवेट किया गया है, अदरवाइज़ इस तरह की फील जो है ना वो हार्डली ही ओल्ड सिटी में आती है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि लग इस तरह रहा है कि इस एरिया को रेनोवेट किया गया है, तो यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर लिखा है कि ज्यूइश क्वार्टर को 1970 में, तो आई थिंक 1970 बहुत दूर नहीं है, 1967 में तो इन्होंने इस एरिया को कैप्चर किया था, तो उसके 3 साल के बाद ही इसको रेनोवेट कर दिया गया था। तो उस रेनोवेशन के दौरान इनको काफ़ी इन्होंने खुदाइयाँ वगैरह की, तो इनको कुछ पुरानी चीज़ें मिली जिनमें से ये जो कॉलम्स आप देख रहे हैं ये रोमन बेजेंटाइन टाइम के हैं, और यहाँ पर एक्चुअली जो था वो बाज़ार हुआ करता था, ये मेन स्ट्रीट थी उसकी। अभी जो है ये सिर्फ 5-6 कॉलम्स जो है ना आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे और बिल्कुल ज्यूइश क्वार्टर के सेंटर में है। यहाँ पे तो लग रहा है कि लाइन लगी हुई है और मे भी हमें रास्ता भी ना मिले, हो सकता है कि वो आगे जो है वो सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स हैं तो इसी वजह से वो चेक कर रहे हैं सामने। मेरे पास तो कैमरे हैं, मे भी लेट्स सी क्या कहते हैं। यहाँ पे एक्चुअली सामान चेक करते हैं, आपका बैग वगैरह देखते हैं, बैग ना हो तो ज़रा बंदा जल्दी निकल जाता है बैग चेक करने के बाद, लेकिन कोई इतना इशू नहीं करते। कैमरा वगैरह सब कुछ पास था, उन्होंने किसी ने कुछ नहीं कहा और हम जो है इंटर हो गए हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश है, बहुत टूरिस्ट आए हुए, स्पेशली दूर दराज से जितने भी ज्यूज़ आते हैं
उनकी एक वही ना, ये उनके लिए एक्चुअली जो हमारे मुस्लिम्स के लिए मक्का है, तो वेस्टर्न वॉल जो है उनके लिए सेम उतनी अहमियत रखती है, इसलिए सब जो है स्पेशली शबात की नाइट जो है वो यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट आएंगे ना, कोशिश करेंगे वो को एक बार जो है शबात के यहाँ पे आके ऑब्ज़र्व करें। तो अभी हम देखते हैं कि मे भी हम अंदर जा सकते हैं, एक थोड़ा सा अंदर करके एक उनका एरिया है जहाँ पे अभी इबादत कर रहे होंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि पहले मैं उसको कैप्चर कर लूँ और उसके बाद आपको थोड़ा सा जो है ना वो इसकी हिस्ट्री वगैरह बताता हूँ। अंदर एंटर होने के लिए जो उन्होंने कहा किप्पा पहननी होगी, तो हम जो है ना किप्पा यहाँ पर रख लेते हैं, बस थोड़ा सा सर कवर करना होता है इससे, और अभी चलते हैं जी अंदर। यहाँ पे आप देखें तो ऑलमोस्ट हर बंदे ने किप्पा पहनी हुई है, इसलिए थोड़े से रिस्पेक्ट के लिए जो है ना वो ज़रूरी है कि आप जो है किप्पा पहन लें। ये है जी अंदर वाला सेक्शन, और ये यहाँ पे आप देखें कि लोग जो हैं वो इबादत कर रहे हैं। हार्डली 30 मीटर का फासला है अंदर जो डोम ऑफ रॉक है वहाँ से लेके इधर तक का, तो ये बिल्कुल साथ साथ जुड़े हुए एरियाज हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ किस्म की टोपियाँ जिनका मैं ज़िक्र पहले कर रहा था, ये तो बहुत बड़ी ये फॉक्स वाली टोपी है। यहाँ पे आप देखें तो इनका जो सेकंड टेंपल है ना उसकी इन्होंने तस्वीरें जो हैं वो लगाई हुई हैं बिल्कुल वॉल के साथ साथ। और वॉल के साथ आप देखें कि कुछ उन्होंने लोगों ने लिख के चिट्ठियाँ इतनी डाली हुई हैं जहाँ जहाँ पे खाली जगह हैं वो अंदर से जो सुराख हैं वो भरे हुए हैं उनसे, तो मे भी हो सकता है कि अपनी ख्वाहिशात वगैरह जो है ना वो लिख के यहाँ पे लिख देते हैं कि उनकी वो पूरी हों।
वेस्टर्न वॉल एक्चुअली जो अलक्सा कंपाउंड के बाहर वाली दीवार है ये सेम वही दीवार है और इसका सिर्फ एक हिस्सा जो है ज्यूज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है जहाँ पे इबादत के लिए आते हैं। यहाँ पे जब इनका जो दूसरा टेंपल बनाया गया था हेरोद ने बनाया था तो उसको जब एक्सपेंड किया गया था तो ये उसी की दीवार है। तो इसका कुछ सेक्शन जो है ये वो जो पुराने नीचे वाले जो रॉक्स हैं वो बड़े बड़े रॉक्स हैं वो हेरोद के टाइम के, लेकिन ऊपर वाले जो रॉक्स हैं वो छोटे रॉक्स हैं और वो कहते हैं कि वो उमायत खिलाफत के टाइम पर उसको जो है ना वो ऐड किया गया था एक्स्ट्रा। और मुस्लिम एक्चुअली इसको कहते हैं जी बुराक, क्योंकि जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से लेके जेरूसलम और हेवन का सफ़र किया था तो वो बुराक पे बैठ के किया था और यहाँ पे बुराक को बांधा गया था। तो अभी यहाँ पे इतना रश है, आप देखते हैं इन्वायरमेंट को थोड़ा सा जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि जैसे ही टाइम स्टार्ट होगा यहाँ पे शबात का और आधा पौना घंटा रह गया तो तब हमें जो है वो बिल्कुल इजाज़त नहीं होगी यहाँ पे कुछ भी जो है वो फिल्मिंग करने की। तो ये लोग जो है ना वो आते जाते जो है ना वो गप्पे शप्पे मार लेते हैं और थोड़ा सा जो है ना बंदा ऑकवर्ड फील ज़रूर करता है इस तरह के मॉल में जब इतना ज़्यादा रश होता है कैमरा अपनी तरफ करके रिकॉर्ड करना। ओल्ड टाउन से जी मैं बाहर आ गया हूँ और अभी आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने अपने घरों की तरफ जाना शुरू कर दिया है। रेस्टोरेंट यहाँ पे बंद हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल नहीं चल रही, तो अगर किसी ने घर जाना है या किसी जगह जाना है या तो फिर टैक्सी ले और अगर वो मिल जाए तो, और या फिर वॉक करके जाए। खैर शबात की नारायत को ना मोस्टली लोगों को पता होता है तो उस हिसाब से अपने अरेंजमेंट करते हैं रेस्टोरेंट जो है ना, क्योंकि यहाँ पे कोशर की कंडीशन है कि अगर आप शबात की रात को ओपन रखते हैं तो आपके ऊपर टप्पा लग जाएगा कि नॉन कोशर है और फिर लोग जो है ना वहाँ से नहीं खाते, तो इसलिए बिजनेसेस जो है ना वो शबात की रात को मोस्टली, क्योंकि हर बंदा शबात जो है ना वो ऑब्जर्व नहीं करता, कुछ लोग जो हैं यहाँ पर आस पास में फिर भी रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे, मोबाइल यूज़ कर रहे होंगे, तो आपको हर तरह के लोग जो है ना वो मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा, कोशिश की है कि कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन इस एरिया की दे सकूँ जितना मुझे पता है दिखा सकूँ, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर का बटन दबाना ना भूलेगा। दुआ में याद रखिएगा, आप लोगों से मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।